एवरीबडी एंड वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। सो यस गाइस, मैं गया था 2 दिन के लिए गोवा की ट्रिप पे एक ब्रेक लेने के लिए और वहाँ पे बहुत मजा आया, सारा स्ट्रेस दूर हो गया मेरा। तो हमारी ट्रिप शुरू होती है यहाँ घर से गोवा एयरपोर्ट तक। हम यहाँ पे निकले गए, हमारी शाम की फ्लाइट थी यहाँ से गोवा की और तकरीबन 1.25 घंटे की फ्लाइट थी। फिर हम लोग गोवा लैंड हुए। तो गोवा लैंड होते ही हम लोग ने टैक्सी पकड़ी और हम लोग गए हमारे होटल पे जिसका नाम था 19 बेलो कबाना। गए हमारी होटल पे, हमने स्टे किया उधर थोड़ा, हमने 2 दिन वहाँ पे रुके थे, हमने थोड़ा रेस्ट किया और वहाँ पे हमारे ग्रुप में से एक जन की बर्थडे थी तो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया।
तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोवा, वेलकम टू गोवा। तो हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है और हमारी होटल का नाम है 19 बेलो कबाना। अभी अभी हमने डिनर ख़त्म किया है और भाई ये होटल मैं आपका ज़रूर रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी होटल है। आप यहाँ पे रुक सकते हो आके और वहाँ पे पूल एरिया है, यहाँ पे सब कॉटेज रूम्स है मैं आपको। और ये है छोटी सी 2 दिन की ट्रिप, एक छोटा सा ब्रेक लेने आए थे। तो हम आए हैं गोवा और कल और धमाल मस्ती होने वाली है। सो हाँ, मिलते हैं कल सुबह। ब्रेकफास्ट कर शुरू होता है हमारा डे 1। और डे 1 में जो हमने मस्ती की है भाई साहब, हम थक भी गए लेकिन जो मस्ती की है सही में यार, इट वाज माइंड ब्लोइंग। जैसे हम लोग सुबह उठे और हम लोग गए हमारे पास के कलंगूट बीच के ऊपर, जहाँ पे हमने फुल लॉन मजाक मस्ती पारी किया। हम लोग ने थोड़ी देर बीच में नहाया, फिर हमने थोड़े वाटर स्पोर्ट्स किए लाइक पैराग्लाइडिंग, जेट स्की, बनाना राइड, मतलब और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। Oh, oh, oh.
लोग बीच से अपनी होटल पे वापस आ गए और हमने थोड़ा रेस्ट किया, बहुत थक गए थे। फिर हम लोग शाम को गए रियल गोवा क्लबिंग के लिए। हम लोग गए थे थलासा क्लब और मेरे लाइफ का मैंने सबसे पहला क्लबिंग एक्सपीरियंस वहाँ लिया। और मेरे लाइफ का सबसे पहला क्लबिंग एक्सपीरियंस ही एकदम फाड़ू था। मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था मैं एक्चुअली बता नहीं सकता, लेकिन आप अगर गोवा जा रहे हो तो अगर आपको अच्छी क्लबिंग करनी है तो आप थलासा जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है क्लबिंग के लिए। तो हम लोग वहाँ गए और हमने बहुत अच्छा इंजॉय किया। आगे वापिस हमारी होटल पे और हमने फिर वहाँ पे रेस्ट लिया। फिर यहाँ स्टार्ट होता है हमारा डे टू, जहाँ पे हमने एक और क्रेजी चीज़ की और वो भी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार की। हमने खेला पेंट बॉल और भाई साहब वो एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग था। जैसे पेंट बॉल में फर्स्ट टाइम खेलने गया, हमने 4 राउंड खेले और 3 राउंड तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम पेंट बॉल से मतलब एक दूसरे को हम लोग एक फन मज़ा आ रही थी खेलने के लिए। फिर लास्ट में हुआ एक गजब राउंड जहाँ पे 15 शॉट मैंने अपनी बॉडी पे खाया और वो पेंट बॉल लगती सही में यार। वो थोड़ा 1-2 घंटे जब दर्द होता है ना तब लगता है कि यार क्यों खेला, पर बहुत मज़ा आया पेंट बॉल खेलने में। हम लोग गए थे अंजुना बीच पे जो है पेंट बॉल, और ये रही उसकी क्लिप। तो फिर हम लोग पेंट बॉल का खेल के वापस आए, हमने थोड़ा अंजुना बीच इंजॉय किया था। फिर हम लोग वापस आए होटल पे, फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट लिया, फिर हम लोग गए एक अच्छा सा गुजराती डिनर करने के लिए। वहाँ पे ही जो कलंगुट का मेन मार्केट एरिया है वहाँ पे हमने वहाँ पे खाना खाया। फिर हमारे सुबह की
9 बजे की फ्लाइट थी। ऑल इन ऑल उत्तरायण को गिन के हमारा ये 3-4 दिन का एक बहुत अच्छा ब्रेक हो गया था। बहुत मज़ा आया मुझे इन दिनों में और हमने क्या मज़े किए। तो या ये था एक ट्रैवल व्लॉग, और थोड़े मार्च एंड तक तो हमारे व्लॉग्स कम ही आने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे व्लॉग्स आने वाले हैं उसके लिए आप रेडी रहना। तो या मैं मिलूंगा आपसे एक और नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ एवरीबॉडी।